दोस्तों नमस्कार, मैं रामलाल आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यात्रा प्लस रामलाल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए आज मैं आप सबके लिए चलता हूं कल्याण से कसारा के सफर पर और कल्याण से कसारा के बीच बनने वाली तीसरी चौथी लाइन का अपडेट दिखाता हूं। जी हां, कल्याण से कसारा की दूरी लगभग 67 किलोमीटर है और इसमें तीसरी लाइन का निर्माण किया जा रहा है, तीसरी चौथी लाइन का निर्माण। तो दोस्तों इस साल इसके लिए, इस रेलवे लाइन के बजट के लिए कुल 85 करोड़ रुपए रखे गए हैं। तो चलिए चलते हैं, लेकिन फिलहाल तो मेरा सफ़र शुरू हो रहा है थाना से, क्योंकि इसमें मैं थाना में हूँ, थाना से ट्रेन पकड़ूंगा और मेन वीडियो मेरा स्टार्ट होगा दोस्तों कल्याण से। तो चलिए चलते हैं कल्याण से कसारा के सफ़र पर। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अपने भाई का म्यूज़िक का यूट्यूब चैनल मूवी मैजिक सॉन्ग को एक बार आप सब जरूर सुने, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। दोस्तों ये है मेरा ब्लॉगिंग का चैनल यात्रा प्लस रामलाल और ये है मेरा फिल्मी गाने का चैनल मूवी मैजिक सॉन्ग रामलाल और ये है मेरा लोकगीत का चैनल आवाहन रामलाल और अगला है मेरा ब्लॉगिंग का चैनल रेल फैन रामलाल। कृपया इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। पटना मुंबई सुविधा एक्सप्रेस। तो दोस्तों थाना से हमारी ट्रेन चल पड़ी है और अब मैं आपसे सीधे मिलता हूँ कल्याण में। तो दोस्तों हम पहुंच गए कल्याण स्टेशन और सामने रामायण एक्सप्रेस। तो दोस्तों हमारी ट्रेन कल्याण स्टेशन पहुंच गए हैं और अब यहां से शुरू होते हैं हमारे कल्याण टू कसारा की जर्नी। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं ये वालधुनी नदी पर भी ब्रिज का काम हो रहा है। तो दोस्तों ये है सहाड स्टेशन। तो दोस्तों सहाड स्टेशन से हमारी ट्रेन चल रही है। तो दोस्तों सहाड स्टेशन से हमारी ट्रेन चल पड़ी है और देखिए लोकल आ गई। तो देखिए दोस्तों इस तरफ तो काम कुछ शुरू नहीं है। हाँ, उल्लास नदी का जो ब्रिज है लगभग तैयार ही हो चुका है, थोड़ा सा रह गया है। और हम पहुंच गए आंबिवली स्टेशन। तो दोस्तों आपको बता दें, तो दोस्तों आपसे कुछ बात तो करना चाहते थे लेकिन आ गई मालगाड़ी बीच में। चलो तो दोस्तों हमारी ट्रेन पहुंच गई पीटवाला स्टेशन। तो दोस्तों आपको बता दें कल्याण से कसारा के बीच में जो तीसरी लाइन बन रही है उसका टोटल बजट है 793 करोड़ रुपए, जिसमें कि लगभग 641 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं।
तो दोस्तों टीटवाला से हमारी ट्रेन चल पड़ी और ये है कालू नदी। और इस नदी पे भी देखिए ब्रिज का काम हो गया है, थोड़ा मोड़ा रह गया है उसे होने में देर। तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस कल्याण से लेकर के सारा तक पूरे कुछ भूमि अधिकार संबंधी समस्याएं आई थी, इसे काफ़ी दूर तक सुधार लिया गया है या यूँ समझिए हो गया है। और इसी समस्या के चलते ही ये इसका लाइन का जो प्रोजेक्ट है काफ़ी कुछ डिले हुआ था। फ्लाईओवर का काम हो रहा है इस तरफ, लेकिन ट्रैक का काम नहीं हो रहा है। तो दोस्तों हम पहुंच गए खड़ौली। तो दोस्तों हमारी ट्रेन पहुंच गई खड़ौली। तो दोस्तों आपको बता दूं कि कल्याण से लेकर के खड़ौली तक जो तीसरी लाइन के लिए गिट्टी और मिट्टी का फिलहाल तो कोई काम नहीं है, सिर्फ नदी पर जो ब्रिज का काम है वही हो रहा है और जो सर्वे का काम है वही किया गया है। तो दोस्तों खड़ौली से हमारी ट्रेन चल पड़ी दिले नादा तुझे हुआ क्या है। तो अब धीरे धीरे ट्रेन में भीड़ कम होती चली जा रही है। और यह है दोस्तों भातसा नदी। तो दोस्तों देखिए इस तरफ काम हो रहा है, हम आपको दिखाते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि भातसा नदी तो ये देखिए लेफ्ट साइड में हो रहा है। रोड फ्लाईओवर का काम, कौन सी है कौन सी ट्रेन आ रही है भाई, हिंगोली जनशताब्दी एक्सप्रेस 12072। तो दोस्तों आपको बता दें खड़ौली से लेकर के वासिल तक भी रेल ट्रैक का काम नहीं शुरू है, सिर्फ ब्रिज का काम है। तो दोस्तों वासिन से हमारी ट्रेन चल पड़ी और देखे इस तरफ फिलहाल तो ट्रेन चली गई। देखिए इस तरफ थोड़ा बहुत काम वासिंग के बाद, ये काम क्या है अभी तो फिलहाल तो इस तरफ कुछ काम विशेष लग नहीं रहा है ट्रैक का, लेकिन अपने हिसाब से थोड़ा बहुत शुरू हो गया है आप ऐसा कह सकते हैं। और हम पहुंच गए आसन गांव। तो दोस्तों हमारी ट्रेन पहुंच गई आसन गांव और आसन गांव तक भी आते आते इस तरफ जो रेलवे लाइन का काम है ना गिट्टी मिट्टी का काम फिलहाल तो काफ़ी कुछ हुआ भी है और कहीं कहीं बाकी जो छोटी मोटी पुलिया का काम है वो तो कर रहे हैं। तो दोस्तों आसन गांव से हमारी ट्रेन चल पड़ी और कौन सी ट्रेन आ रही है 12142 पाटलिपुत्र मुंबई LTT सुपरफास्ट एक्सप्रेस, पाटलिपुत्र मतलब पटना। तो दोस्तों देखिए दोस्तों इस तरफ से काम जो है शुरू दिखा है, ऐसे तो वासिंग से ही गिट्टी मिट्टी का काम ये है दिखाई पड़ रहा है, लेकिन उस तरफ उतना ये जैसे जैसे समय बीतता जाएगा काम होता शुरू हो जाएगा, लेकिन इस तरफ तो काफ़ी तेज गति से काम चल रहा है।
देखिए ये गाड़ियाँ खड़ी हैं और जो छोटे मोटे ब्रिजेस हैं एक्चुअली उन्हीं में समय लगना है, अभी इस ब्रिज में काफ़ी समय लगेगा। और यहाँ पे देखिए पहाड़ तोड़ने का काम चल रहा है, इसे तोड़ने में काफ़ी समय निकल जाएगा। हालांकि काम दोनों तरफ से हो रहा है वहाँ पे। और यह है दोस्तों मुंबई नासिक हाईवे, इसलिए इस तरफ काम ना होकर के दूसरे साइड में काम हो रहा है इसका। आठ गांव पहुंच गए हम, तो आपको बता दें कि तो दोस्तों हमारी ट्रेन पहुंच गई आठ गांव स्टेशन। तो दोस्तों आसन गांव से लेकर के आठ गांव के बीच में जो भासा नदी है उसके ऊपर भी ब्रिज का काम चल रहा है, क्योंकि लेफ्ट साइड में उसका काम चल रहा है और उसके बाद गिट्टी मिट्टी का भी काम चल रहा है, आगे कहीं हो रहा है और कहीं नहीं हो रहा है फिलहाल, तो इसके आगे काम जारी है। तो दोस्तों आपको बता दूं 3:20 की से ये हाईवे था, इसके बगल में अभी जस्ट बगल से हाईवे गया है तो इसके दूसरी तरफ से काम शुरू है। तो दोस्तों जैसा कि आप इधर भी देख रहे हैं काम है शुरू है और ब्रिज को बनने में काफी समय लगेगा। बगल में हाईवे है मुंबई नासिक हाईवे। तो यहाँ भी कार्य प्रगति पर है, तो काफी तेजी के साथ फिलहाल तो काम हो रहा है। और हम पहुंच गए तानसेट स्टेशन। तो दोस्तों हमारी ट्रेन पहुंच गई तानसेट, 3:24 की ट्रेन लगभग 20 मिनट लेट चल रही है। तानसेट से हमारी ट्रेन चल पड़ी है। फिलहाल तो ट्रेन में भीड़ काफी कम हो गई है, ट्रेन काफी खाली हो गई है और देखिए लोग काम पर लगे हुए हैं। वहाँ भी देखिए यहाँ भी काम हो रहा है और अपने हिसाब से तेज गति से हो रहा है। वैसे एक बात आपको बता दें दोस्तों कि ये जो रूट है ना कल्याण से कसारा तक का, ये वर्षा ऋतु में देखिए मशीनें लगी हुई हैं। हाँ वर्षा ऋतु में तो क्या बताएं आपको। मुंबई नासिक हाईवे एक बार फिर से, तो वर्षा ऋतु में इस तरफ का जो दृश्य है ना बहुत ही मनमोहक होता है। ये तो पूरा तालाब ही लग रहा है भाई। और हम पहुंच गए खड़ी स्टेशन क्रमांक। तो दोस्तों हमारी ट्रेन पहुंच गई खरड़ी। खरड़ी में इस ट्रेन के पहुंचने का समय है 3:30, 3:45 पहुंची है, फिलहाल तो 15 मिनट लेट। तो अब हम मुंबई से लगभग 100 किलोमीटर दूर चले आए हैं और वो सामने जो देख रहे हैं दोस्तों वो है मुंबई नागपुर, जो नया हाईवे बन रहा है उसका ब्रिज है। और संभवतः अभी हमारा ये जो इस वीडियो को जो मैं डाल रहा हूँ उसके पहले तक शायद इगतपुरी से लेकर के नागपुर तक चालू हो गया, शायद नहीं उसके पहले शिरडी वगैरह तक तो चालू ही है। मेरे पी को ये पवन
किस गली ले चली। और हम पहुंच गए उबरमाली स्टेशन। तो दोस्तों हमारी ट्रेन पहुंच गई उबरमाली। मेरे पी को ये पवन किस गली ले चली। देखिए इस तरफ भी काम हो रहा है, इसके दूसरे साइड काम हो रहा है, क्योंकि देखिए इधर मुंबई नासिक हाईवे है तो इसके सेकंड साइड काम चल रहा है लेफ्ट साइड में। कोई रोको कि मेरी जिंदगी ले चली। यह दोस्तों 15018 गोरखपुर LTT लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस, काशी एक्सप्रेस, बहुत ही पुरानी ट्रेन है ये। और हम पहुंच गए कसारा स्टेशन। तो दोस्तों हमारी ट्रेन पहुंच गई कसारा स्टेशन। जैसा कि आपने देखा कि कल्याण से लेकर के कसारा तक कुल 67 किलोमीटर की दूरी, और इस पे इस साल रेलवे ने 85 करोड़ रुपए का बजट रखा है, यानी 2024-25 के लिए, और इस पे कुल 641 करोड़ रुपए खर्च हो गए हैं। जैसा कि आपको बता दें कि काफ़ी काम इस पे जो कल्याण से लेकर कसारा तक है वो गिट्टी मिट्टी का काम तो कम है आसन गाँव तक, लेकिन ब्रिज के काम लगभग पूरे हो गए हैं। कुल 641 करोड़ रुपए खर्च हो गए हैं। और दोस्तों ये रेलवे लाइन का तो काम आसन गाँव के बाद कसारा तक तीसरे लाइन का काम काफ़ी तेज़ी के साथ शुरू है, और इसके पूरे होने की संभावना दिसंबर 2026 है। तो दोस्तों आपको बता दें कि कसारा स्टेशन मुंबई के उपनगरीय सेक्शन का अंतिम स्टेशन है। इसके आगे, इसके बाद का जो अगला स्टेशन है वो है इगतपुरी, जो कि इसके बाद घाट सेक्शन शुरू हो जाता है। और इस कसारा स्टेशन पे दोस्तों कुल 4 प्लेटफार्म हैं। चूँकि उपनगरीय जो सेवाएं हैं कसारा तक चलाई जाती हैं, इससे जो ट्रैफिक की समस्या है काफ़ी रहती है। इसमें मेल एक्सप्रेस गाड़ियां भी हैं और उपनगरीय गाड़ियां भी हैं, तो इससे जो मेल एक्सप्रेस गाड़ियां भी लेट होती हैं और उपनगरीय गाड़ियां भी लेट होती हैं। तो इस तीसरी चौथी लाइन के बन जाने के बाद ये जो समस्या है ना वो काफ़ी हल हो जाएगी, और ज़्यादा से ज़्यादा उपनगरीय गाड़ियाँ कसारा तक चलाई जा सकेंगी। तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और बताएं कि अगला कौन सा वीडियो चाहिए। यदि आप सब नए हैं तो कृपया मेरे YouTube चैनल यात्रा प्लस रामलाल को, और मेरे दूसरे लोक संगीत का एक मेरा वीडियो है जिसका नाम है मूवी मैजिक सॉन्ग रामलाल, कृपया उसे भी आप सब जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपना विचार लिखें। और इसी के साथ अपने भाई को इजाज़त दें, फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।